शहर में वक्फे से बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। गुज़श्ता 41 घंटों से कभी हल्की कभी तेज बारिश, शिमला पहाड़ी, एबट रोड, लक्ष्मी चौक और मॉल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जे हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहने का इम्कान, महकमे मौसमियात। बारिश से लेस्को के तरसीली निजाम को भी ठंड लग गई। 100 से जायद फीडर्स ट्रिप करने से बंद रोड, समनाबाद, गड़ी शाहू समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद रही। परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर, तेज काम 1 घंटा, अकबर एक्सप्रेस 55 मिनट ताखीर से रवाना हुई। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 15 परवाजें मनसूख, 13 ताखीर का शिकार। मौसम ठंडा ठार होने पर लाहौरियों के मजे, चटपटे खानों के लिए शहरियों का दुकानों पर रश। समोसे, पकोड़े, गाजर का हलवा सबको पसंद, फिश फ्राई तो सबको लुभाए। सानिया साहिवाल की तहकीकात, अहम पेशरफ्त, 8 एनी शाहिदीन के बयान कलमबंद। साबिक एसएसपी सीटीडी जवाद कमर का बयान भी कलमबंद। जीशान के जेर इस्तेमाल गाड़ी के बारे में अहम शवाहिद मिल गए। गाड़ी फैसलाबाद में मारे गए दहशतगर्द अदील हफीज की मिल्कियत थी। साबिका मालिकान के बयानात और दस्तावेजात हासिल कर ली। मकतूल खलील के वर्सा आज भी शनाख्त परेड के लिए ना पहुंचे। आईजी पंजाब सीटीडी एहलकारों को बचाना चाहते हैं, मकतूल खलील के भाई जलील का इल्जाम। जीआईटी खत्म करने के लिए अदालत से रजू कर लिया, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त आए। जुडिशल कमीशन तश्कील देने की सदा, जीआईटी से इंसाफ की उम्मीद नहीं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी जीआईटी को तहकीकात से रोकने का हुक्म दिया, दरखास्त में मौकिफ। जमात इस्लामी का भी सानह साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। जीआईटी से अहले खाना और आम आवाम मुतमईन नहीं। जिस कत्ल का कोई जिम्मेदार ना हो उसकी जिम्मेदार हुकूमत होती है, कहीं इंसाफ नजर नहीं आ रहा। हुकूमत आवाम से झूठ बोल रही, सिराजुल हक की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू। सानह साहिवाल के मुतासरा बच्चों की तालीम और सेहत का मामला, लाहौर रोटरी क्लब ने पंजाब हुकूमत और सेक्रेटरी सेहत को खत लिख दिया। बच्चों को एचिसन कॉलेज के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिया जाएगा, क्लब इंतजामिया का मुतालबा। आज हमारा, कल पीटीआई वालों का कैंप जेल के बाहर होगा। हुक्मरानों की फाइलें बनना शुरू हो गई। जल्द मुराद सईद और शेख रशीद जेल के बाहर गुफ्तगू कर रहे होंगे, राणा सनाउला का दावा। कहते हैं सानिया साहिवाल की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत है, सबूत जाया किए गए। जुडिशल कमीशन से नतीजा निकल सकता है, पंजाब के तमाम फैसले बनी गाला में होते हैं। नंबर गेम पर हुकूमत गिराना मुश्किल नहीं, सिर्फ 4 वोटों की बढ़तरी। कैदी नंबर 4470 से मुलाकात का दिन, लीगी रहनुमाओं और अहले खाना की कोर्ट लग पर जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज की अपनी दादी के हमरा आमद, हमजा शहबाज, ममनून हुसैन, शाहिद खकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमा भी पहुंचे। जेल के बाहर लीगी कारकुनान और खातीन की नारेबाजी, मुल्क तरक्की के रास्तों पर चलने लगा था। मुल्क दुश्मन अनासिर को मुल्क की तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई। नून लीग आवाम की अदालत में आज भी सुरखरू है। नवाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। इलेक्टेड वजीर आजम जेल में, सिलेक्टेड की इज्जत कौन करेगा? हुकूमत खुद ही गिर जाएगी, हमें धक्का देने की जरूरत नहीं। लीगी रहनुमाओं के भी हुकूमत पर वार। कायद से मुलाकात का दिन, लीगी कारकुनान का जेल के बाहर रश लगा रहा। मरियम औरंगजेब रिक्शे में बैठकर जेल पहुंची। जावेद हाशमी भी रश के बाइस मोटरसाइकिल पर जेल के दरवाजे तक पहुंचे। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक मेडिकल बोर्ड की तजावीज पर अमल करेंगे। काफ लीग के गिले शिकवे हकीकी हैं। इत्तेहाद इलेक्शन से पहले का है, जल्दी टूट नहीं सकता। एक घर में भी गिले शिकवे हो जाते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। मिड टर्म इलेक्शन नहीं होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमती इकदामात का आवाम को 3 से 4 साल में फायदा पहुँचेगा।
भारत चुन चुन कर तालीम याफ्ता नौजवानों को शहीद कर रहा है। भारत से खिते के अम को शदीद खतरा है। मसले कश्मीर पर एक APC बुलाई जानी चाहिए। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का लाहौर यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान कहते हैं, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बगैर अधूरा है। कश्मीरियों को हक के खुद अरादियां दिलाने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाएंगे। यूनिक ग्रुप के जेर एहतमाम अलहमरा में तकरीब से खिताब। मेयर क्यों नहीं आते, इजलास ऐसे नहीं चलेगा। सर्द मौसम में बल्दिया उस्मा के इजलास में गर्मा गर्मी। इख्तियारात ना मिलने पर चेयरमैनों का वावेला। चेयरमैनों ने स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया नारेबाजी। स्पीकर और डेप्यूटी मेयर नजीर सवाती अरकान को नशिस्तों पर बैठने के लिए मिन्नत समाचत करते रहे। हंगामा आरई के दौरान इजलास की कार्रवाई गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। ऑफशोर कंपनी और आमदन से जायद असासा जात का केस। नैब ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को 6 फरवरी को तलब कर लिया। नैब को बैरून मुल्क से अलीम खान के असासों की तफसीलात मौसूल। सफाई के लिए नया फ्रेमवर्क। हफ्ते की छुट्टी खत्म, अब इतवार को भी शहर से कूड़ा उठाया जाएगा। अब्दुल अलीम खान ने MD LWMC को टास्क सौंप दिए। शहर को सफाई के लिए 14 हलकों में तकसीम करने की हदायत। वर्ल्ड बैंक के वफ़द से भी मुलाकात। बोले, तमाम बड़े शहरों का आइंदा 50 साल का मास्टर प्लान बना रहे हैं। पंजाब भर में बैक वक्त दही इलाकों की तरक्की चाहते हैं। पंजाब बार काउंसिल के चेयरमैन वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतखाब कर लिया गया। इफ्तखार शाह चेयरमैन, शाहनवाज इस्माइल बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन मुंतखब। नौ मुंतखब अहदेदारों का कहना है कि वो कला के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। लाल टमाटर की कीमत को आग लग गई, सरकारी रेट 53 रुपए। बाजारों में टमाटर 70 रुपए किलो पर फरोख्त होने लगा। शहरियों का कीमतें कम करने का मुतालबा। चिकन की कीमत भी पहुंच से बाहर होने लगी। आज भी ब्रॉयलर 3 रुपए फी किलो महंगा, दुकानों पर 186 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, रोही नाले के करीब तेज रफ्तार बस उलट गई। कसूर के रिहायशी एक ही खानदान के 30 अफराद जख्मी। तिब्बी इमदाद के बाद घर मुंतकिल। एक की हालत तशवीशनाक, अस्पताल में जेरे इलाज। नश्तर पार्क जिमनेजियम में जारी नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। वापटा की अली मेहती और माहौर शहजाद ने फाइनल मुकाबला जीत लिया। मेंस डबल मुकाबलों में अतीक चौधरी और राजा हसनैन ने कामयाबी अपने नाम की। फाते खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। लाहौर में जापानी सकाफत के रंग, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में जापानी कैलेंडर्स की नुमाइश। जापानी आवाम के रहन सहन की भरपूर अकासी। शुरुका ने जापानी कल्चर को खूब सराहा। और अलहमरा हॉल में लाहौर स्कॉलर स्कूल सिस्टम की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस, मुख्तलिफ टैबलो पेश किए। हाजरीन ने लाजवाब परफॉर्मेंस पर खूब दाद दी। बच्चों को इनामात मिलने पर वालिदैन खुशी से सरशार नजर आए।